कोरोना वायरस से बचाव के लिए विधायक वासुदेव देवनानी ने तुलसी के पौधे किए वितरित। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 5000 तुलसी के पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि तुलसी का पौधा आध्यात्मिक होने के साथ साथ आयुर्वेदिक भी है और तुलसी खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तुलसी के साथ ही अन्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से काढ़ा बनाया जाता है और इसका सेवन करने से कोरोना वायरस जैसी बीमारी पर लगाम लगाया जा सकता है। इसलिए 5000 परिवारों के बीच तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे और आम जनता से अपील की जाएगी कि वह इस पौधे को सुरक्षित रख रोज तुलसी का सेवन करें, जिससे कि विभिन्न बीमारियों से निजात मिल सके। इस समय कोरोना की महामारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसके इलाज में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े और वह व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हुए इसके साथ संघर्ष करता हुआ जीते। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठतम प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी का पौधा जहाँ आध्यात्मिकता को इंगित करता है, लेकिन साथ में एक औषधि के रूप में भी काम कर रहा है। और इस तुलसी के द्वारा वात पित्त दोष तो दूर होते ही हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख को बढ़ाता है और साथ में व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इवन तुलसी के पत्ते का रस यदि पानी में मिला करके पीते हैं, वह भी काफ़ी लाभदायक रहता है। इसलिए मन में आया कि इस बीमारी के संघर्ष से लड़ने के लिए तुलसी के पौधों का आम जन में वितरण किया जाए। 5,151 तुलसी के पौधों का वितरण आज से प्रारंभ किया है, जिसे प्रत्येक वार्ड में जाकर के हम करेंगे। यह तुलसी के पौधे हमको एक कैलाश जी चौहान हैं पुष्कर नर्सरी कानस उससे मंगवाए हैं, उसके माध्यम से आम जन तक पहुँचाएँगे और आम जन से अपील करेंगे कि तुलसी के पौधे को अपने घर में लगा करके इसका उपयोग करें, जिससे इस महामारी से हम लोग जीत सकें। और आज तो आयुष मंत्रालय और दूसरे भी सभी लोग ये तुलसी के पत्तों के साथ, आप ग्लो है, काली मिर्च है, दालचीनी है, गुड़ है, इन सबको मिला करके काढ़ा पीने से काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। उसे तुलसी के पत्ते अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, इस नाते आज इसका वितरण शुरू किया है। मुझे लगता है कि इससे अजमेर के हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ होगा और आम जन इसको घर में लगा करके तुलसी के पत्तों का उपयोग करेगा।